ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सीख ली थी, और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे ये भी देखा था। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो कर दी और वो गॉड बन गए, उनके नाम के आगे लगाया गया सर। अब जे जे थॉम्सन बने थे सर जे जे थॉम्सन। सर जे जे थॉम्सन ने पूरी ज़िंदगी, मैंने बोला था ना कि वो बहुत कोशिश किए, काफ़ी हद तक उन्होंने कोशिश किया ये पता करने के लिए कि आखिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितने का होता है और उसका मास कितने का होता है, बट वो ये पता नहीं लगा पाए। लेकिन एक चीज़ उन्होंने कैलकुलेट करके बता दी थी, वो था चार्ज बाई मास रेशियो, जिसे आप क्या बोलते हो, स्पेसिफिक चार्ज। उसके लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ, या फिर डिटर्मिनेशन, हेडिंग डालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जब हम स्पेसिफिक चार्ज को डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो भी कैथोड रे ट्यूब बनाया था मैंने, CRT याद है थोड़ा बहुत, CRT क्या होता है, CRT का फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब। उस कैथोड रे ट्यूब को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब में कुछ इस तरीके से ट्यूब था बेटा, यही ना, ये कैथोड था, ये एनोड है, ध्यान से देखना है ना, ये कैथोड है, ये एनोड है, इस तरीके से आगे इस ट्यूब को बढ़ाया गया, एक्सपेंड किया गया। और जब इस ट्यूब को यहाँ पे एक्सपेंड किया गया, तो यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाया गया, या मैं इसी को ऐसे लिख देता हूँ, ये है फोटोग्राफिक प्लेट। इसमें एक छोटा सा पोर है, जिससे कैथोड रेज आगे की तरफ बढ़ेंगे, कैथोड रेज यहाँ से आगे की तरफ बढ़े थे। ठीक, लेकिन आगे की तरफ बढ़ करके जब यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, तो क्रॉस करके जब ये निकले थे ना बेटा, तो निकलने से पहले उसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया गया था। ये फील्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसे ही इसी के बगल में एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया था। वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड इसमें लगाए गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब हमने क्या लगा दिया है, एक सिंपली
पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट। मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए हमने एक मैग्नेट लगा दिया, इस तरीके से एक मैग्नेट होगा, जो मैग्नेट मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया है, इसे सू हॉर्स मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। इसका यहाँ पे साउथ पोल है और ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, सू हॉर्स मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। अगर आपने कभी घोड़े की नाल देखी होगी तो आपको ऐसे दिखेगा। तो ये मैग्नेट मैंने लगाया, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगाने के बाद जब मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं, उस केस में ये जा कर के एक पॉइंट पे हिट करता है और वो पॉइंट है कुछ ए। जब मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड यूज करता हूँ तो वो जाके एक पॉइंट पे हिट करता है, जिस पॉइंट को बोलते हो बी। जब मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगाता हूँ और इसको इक्विलिब्रियम में ले के आता हूँ, उस टाइम पे ये एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे जाके हिट करता है, जिसको क्या बोलते हैं, सी पॉइंट। ये आपका एक कैथोड रे, वापस से फिर से मैंने बनाया ये कैथोड रे। इस कैथोड रे में ये वाला जो पोर्शन, ये किसका है बेटा, कैथोड का। ये पोर्शन कौन सा है, एनोड है। तो एनोड और कैथोड के, अभी आपको थोड़ा कम समझ आ रहा, अभी मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, अब आपको लिखने लगेगा। ये क्या है, एनोड, और ये क्या है, कैथोड। तो कैथोड से कैथोड रे निकली होगी और ये कैथोड रे जब आगे की तरफ बढ़ी होगी, तो आगे की तरफ बढ़ते समय मैंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मैंने यहाँ पे नॉर्थ पोल लगाया है मैग्नेटिक फील्ड का और यहाँ पे साउथ पोल लगाया है मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगाया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट लगाया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा है, दोनों से जब पास हो रही है ये जो आपका कैथोड रे है, दोनों से पास होते समय अगर मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो ये कौन सी जगह पे आके हिट कर रही है, ए पे, और अगर मैंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाया है तो ये कहाँ पे आके हिट कर रही है, बी पर। और अगर ये मैंने कोई, इन दोनों फील्ड को इस हिसाब से मैनेज किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कम करते गया, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा बढ़ाता गया, धीरे धीरे करते करते एक टाइम आए, दोनों के टाइम पे आया कि ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आकर के हिट कर रही है, हाँ या ना। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए जितने एक्सपेरिमेंट किए गए, ये एक एक्सपेरिमेंट ऑपरेटस है जिसमें एक्सपेरिमेंट हुआ है, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ है मैंने ये आपको बता दिया। और इससे कैलकुलेशन हो करके, ध्यान देना, इसी तरीके से कैलकुलेशन करके किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाई मास रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। उसकी जो वैल्यू है 1.57588205 7 × 10^11, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं, हम लोग इसे शॉर्टकट में लिखेंगे 1.76 × 10^11, 1.76 × 10^11 कूलॉम पर किलोग्राम। फिर से एक बार देखना, इसका ये जो कैलकुलेशन किसने किया बेटा, जे जे थॉम्सन ने। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को आपको नोट करना है, फिगर बनाओगे उसके बाद नोट करोगे ना, पहले इसकी फिगर को बना लीजिए फिर उसके बाद नोट कराता हूँ। अब इसमें पहला पॉइंट लिखिए, ये जो डेविएशन आप देख पा रहे हैं ना, कभी ए पे जा रही है कभी सी पे जा रही है, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, लिखेंगे द डेविएशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर पाथ। द डेविएशन ऑफ पार्टिकल, ये जो ए पे जा रहा है कभी बी पे जा रहा है कभी सी पे जा रहा है, ये जो डेविएशन है, द डेविएशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर पाथ, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड depends on the charge on electron, दूसरा mass of electron
एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन, बताओ डेविएशन किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है और मास कितना है और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो आपके ऊपर है, आप जितना चाहो उससे घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन चार्ज और मास तो आपके ऊपर नहीं है ना बेटा। तो चार्ज और मास अगर आपके ऊपर नहीं है वो तो फिक्स है, तो चार्ज और मास का अपना एक फिक्स्ड रेशियो आएगा, वही फिक्स्ड रेशियो कुछ और नहीं बल्कि कितना 1.76 × 10⁻¹ⁱ कूलम पर किलोग्राम। यानी कि अगर एक किलोग्राम इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर 1.76 × 10⁻¹ⁱ कूलम का चार्ज होगा। आपने कहा यार ये तो थोड़ा सा टफ था, लेकिन कैलकुलेशन आराम से हो गई। इस बात को और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए, तब ये किसने दिया था डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, किसने दिया था ये? जे थॉमसन, इसको देने वाले साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। लेकिन जे थॉमसन ने क्या एग्जैक्ट चार्ज और एग्जैक्ट मास कैलकुलेट किया था बेटा? नहीं, उस चार्ज और मास को कैलकुलेट करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आए जिसे रॉबर्ट मिलिकन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसने दिया था भाई? रॉबर्ट ने। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास को कैलकुलेट करने के लिए रॉबर्ट मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट का नाम क्या बेटा? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब आप सोच रहे हो ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है? बाई आर मिलिकन। आओ देखते हैं ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है। फिर से देखना, मेरे पास दो प्लेट है, सिलेंडर देखा कभी? सिलेंडर, तो मैं एक सिलेंडर बना लेता हूँ। देखा बेटा, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, आर्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, तो थोड़ा बहुत फिगर उल्टा सीधा बने तो आप समझ लेना उसे। मैंने एक सिलेंडर बनाया, इस सिलेंडर में मैंने दो प्लेट लगाए, एक प्लेट मेरे पास ये है और एक और प्लेट ये है। ये जो प्लेट है ये पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है, और ये कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज प्लेट। इन दोनों प्लेट के बीच में एक इस वाले प्लेट के बीच में एक छोटा सा होल कर दिया, और यहाँ पर मैंने एक इक्विलाइजर यूज करके मैं यहाँ पर एक इक्विलाइजर यूज करके मैं यहाँ पे ऑयल के ड्रॉप्स गिराता हूँ। ऑयल के ड्रॉप्स ऐसे मैं पंप करूँगा तो ऑयल का एक ड्रॉप जा करके इसके ऊपर गिर जाएगा, और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। मैंने ऑयल्स इसके ऊपर गिराए, एक वन ड्रॉप ऑयल मैंने इसके ऊपर गिरा दिया, और जैसे ये ऑयल ऐसे ऑयल क्या हुआ इससे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ से ऑयल क्या हुआ, ऑयल का जो ड्रॉप है वो नीचे की तरफ गिर रहा था या नहीं? और जब ये नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो क्या उस टाइम पे एक फील्ड काम कर रहा होगा ना, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में एक फील्ड है। कौन सा फील्ड है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा। अब ये जो चार्ज है बेटा, इस पर जो चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज, मान लो यहाँ पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज हम ऑयल ड्रॉप को यहाँ पे नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है इस पर एक फोर्स काम कर रहा होगा। कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा बेटा? mg, जो कि नीचे की तरफ काम कर रहा हो, हाँ या ना?
एक और फोर्स है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, वो उसको क्या कर रहा होगा, ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। और यहाँ से मैंने एक्सरे डाल दिया। एक्सरे क्या करता है, ये एक्सरे आएगा और फटाफट इसको चार्ज कर देगा, इसके अंदर जो इससे टकराएगा और टकराने के बाद इसको चार्ज कर देगा। अगर वहाँ से ऊपर से चार्ज होके नहीं आया है तो जो बचा हुआ है यहाँ पे वो चार्ज हो जाएगा। अब फिर क्या हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में एक फोर्स काम कर रहा होगा, जिस फोर्स को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कर रहे हो। यहाँ पे ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ऑयल, इस ऑयल पे एक फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा होगा और एक फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा। इसको इंतजार करेंगे, तब तक वेट करेंगे। अब आप कहोगे वेट कैसे करेंगे, देख कहाँ रहा है, इसको देखने के लिए हमने क्या यूज किया है, माइक्रोस्कोप यूज किया है। माइक्रोस्कोप से मैं इसको देख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। और जिस टाइम पे ये एक जगह पे रुक गया, जब ये एक जगह पे रुक गया होगा तो इस रीडिंग में यहाँ पे अपनी एक रीडिंग दिखी होगी कि नहीं दिखी होगी, किस रीडिंग पे हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं और रीडिंग भी देख रहे हैं। जिस रीडिंग पे यहाँ पे रुक गया उसी रीडिंग पे कैलकुलेशन शुरू हो गया। कई बार ये एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट किया गया तो पता चला कि यार जब हर एक ऑयल के ड्रॉप पे अलग अलग चार्ज आ रहा है। अब ऐसे मान लो 10 ऑयल के ड्रॉप है, 10 ऑयल के ड्रॉप पे 10 अलग अलग चार्ज आए, लेकिन एक चीज़ उसमें कॉन्स्टेंट थी। क्या कॉन्स्टेंट थी, कि हर एक ऑयल के ड्रॉप पे जो चार्ज आ रहा है उस चार्ज का जो इंटीग्रल मल्टीपल है वो एक इंटीजर है। यानी कि कोई 1 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, कोई 2 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करके रहा, और एक छोटा सा चार्ज है जो बार बार अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई होकर के एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। तो वो जो छोटा सा चार्ज है जिससे बार बार मल्टीप्लाई हो जा रहा है, जो टोटल क्यू आया था ना बेटा, टोटल क्यू आया था, वो जो क्यू आया था वो एन इंटू ई के इक्वल आया था। ई एक वो छोटा सा चार्ज है जिस चार्ज को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे अलग अलग चार्ज कैलकुलेट हो रहा था। मैंने पहला ऑयल का ड्रॉप डाला उसमें मान लो 1E आया, दूसरा ऑयल का ड्रॉप थोड़ा सा बड़ा डाला उसमें मैंने देखा 5E आ गया, लेकिन 1 और 5 में एक चीज़ कॉन्स्टेंट था, क्या, ई। इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज होगा, वो कौन सा चार्ज होगा, ई। और जब इस ई की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया तो पता है कितना मिला, जो E की वैल्यू कैलकुलेट किया गया वो आया 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है इसलिए मैंने यहाँ पे साइन क्या लगा दिया, माइनस का। तो ये जो E कैलकुलेट का होके आया बेटा वो E है आपका 1.6 × 10⁻¹⁹। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है दैट्स वाई मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया। क्या बात क्लियर हो गई, या चलो अगर मान लो अभी नहीं, हमने सिर्फ E कैलकुलेट किया ना, तो E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹। दिस चार्ज इज नोन एज यूनिट चार्ज, क्या बोलेंगे इसे, यूनिट चार्ज। ये जो यूनिट चार्ज है ये यूनिट चार्ज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट होके आया है। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बताओ कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, माइनस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। माइनस माइन हमने यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया। अब आपने सोच रहा है ठीक है चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता चल गया, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन का मास पता चल गया, नहीं, तो मास कैसे निकालेंगे, ज़रा मुझे बताओ, क्या Q/m पता चल गया, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी कि क्यू की वैल्यू पता चल गई, क्यू की वैल्यू कितनी है, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो बताओ यहाँ से देखो बेटा, Q/m दिस इज इक्वल्स टू कितना है, 1.76 × 10⁻¹⁹। आप जल्दी से मुझे बताओ m की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या Q/1.76 × 10⁻¹⁹ कर दूं, हाँ या ना। अब बताओ Q की वैल्यू हमने कितना निकाला है, अब माइनस यूज नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि माइनस तो सिर्फ साइन बता रहा है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। कितना चार्ज है ये बताओ, 1.6 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाई 1.76 × 10⁻¹⁹। अब 11 ऊपर गया तो −11 हो जाएगा, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो m की एक वैल्यू आएगी 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम। तो आप जल्दी से मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितने का है, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का। और E/m का रेशियो कितना है, −1.76 × 10⁻¹⁹ कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, अब एक बात बताओ, फिर से बताना,
जो पूछूं वो फटाफट बता दूं। जल्दी से मुझे बताइए, कैथोड रेज की डिस्कवरी किसने की थी? विलियम क्रुक ने। किसने की थी? विलियम क्रुक ने। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी किसने बताई थी? जे जे थॉम्सन ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे जे थॉम्सन ने। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास यानी कि स्पेसिफिक चार्ज किसने बताया? जे जे थॉम्सन ने। इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने बताया? आर मिलिकन ने। आर मिलिकन ने इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब इसको अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करेंगे, फिर जा करके हमारा ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अभी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुआ है, अब हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की तरफ चलेंगे। ओके, नोट करें सर।